हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने 6G तकनीक पर भी काम शुरू कर दिया है। दुनिया की सोच से एक कदम आगे चलने की रणनीति के तहत अब चीन स्पेस में एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। चीन का इरादा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का है। ट्रेड वॉर जैसी टेंशन को किनारे रखकर किस तरह चीन अपने इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, देखिए। अमेरिका भले ही चीन को ट्रेड वॉर में उलझाकर आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन चीन दुनिया से एक कदम आगे चलने की अपनी रणनीति पर बरकरार है। जहां भारत समेत कई देशों में अभी 5G पर काम तक शुरू नहीं हुआ, वहीं चीन 5G को तेजी से लागू करने में लगा है। यही नहीं, चीन अब 6G का ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन तकनीक के शहंशाह चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अब ये पृथ्वी छोटी पड़ने लगी है। चीन अब पृथ्वी पर अपनी आर्थिक योजनाओं को विस्तार देने से आगे निकल चुका है। दरअसल ड्रैगन अंतरिक्ष में इकोनॉमिक जोन विकसित करने पर विचार कर रहा है। यह आर्थिक क्षेत्र चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बनाने की योजना चीन ने तैयार की है। चीन के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के प्रमुख बावो विमिन ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल भले ही ग्लोबल सुस्ती का माहौल बना हुआ है, चीन की विकास दर बरसों के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गई है, लेकिन चीन इस प्रोजेक्ट के लिए दिल खोलकर खर्च करने को तैयार है। अनुमान है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ये खास इकोनॉमिक जोन तैयार करने में चीन करीब 10 ट्रिलियन डॉलर यानी 706 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये आंकड़ा इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत अभी अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में लगा है। 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो भारत अगले 10 साल में ही पूरा कर पाएगा। वहीं चीन की GDP का मौजूदा आकार 13 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन इस मिशन पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने की तैयारी क्यों कर रहा है। बाओ विमन के मुताबिक चंद्रमा और पृथ्वी के बीच इस क्षेत्र में बड़ी आर्थिक क्षमता है। चीन को पृथ्वी और उसके उपग्रह के बीच कम लागत वाले और भरोसेमंद एरोस्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी पर 2030 तक काम पूरा हो जाएगा, जबकि प्रमुख ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी 2040 तक बनने की उम्मीद है। 2050 तक चीन स्पेस इकोनॉमिक जोन को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकता है। चीन ने हाल के वर्षों में तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर काम किया है। चंद्रमा का भी काफी अध्ययन चीन कर रहा है। जुलाई में निजी कंपनी iSpace ने ऑर्बिटल मिशन के लिए पहला कैरियर रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे बीजिंग इंटरस्टेलर ग्लोरी स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। पिछले साल चीन ने चंद्र मिशन Chang'e 4 लॉन्च किया था, जो 3 जनवरी को चंद्रमा के सुदूर भाग में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। एरोस्पेस के प्रशंसकों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के कई महत्वपूर्ण मिशन को गति मिलेगी। इसमें लॉन्ग मार्च 5 कैरियर रॉकेट भी शामिल है। चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 5 की सहायता से 2020 में Chang'e 5 को चंद्रमा से सैंपल्स लाने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही चीन के हेवी लिफ्ट कैरियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 9 2030 के आसपास अपनी पहली उड़ान भर सकता है। इस मिशन को पूरा करने में अभी भले ही 30 साल का वक्त लग जाएगा, लेकिन किसी भी देश की ऐसी दूरदर्शी सोच ही उसकी तरक्की की बड़ी वजह बनती है।